आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, इसके बारे में बहुत सारी बातें जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, माननीय मंत्री हैं, सब लोगों ने इन बातों के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दे दी। साफ तो आवाज़ जा रही, ठीक है, जाने ना दीजिए, जाएगा जिला में आवाज जाएगा, यहाँ तो आवाज़ जा रहा है, देख रहे होंगे, आवाज़ नहीं जा रहा तो बीच में आवाज़ जाने लगेगा, अब इसके चलते डिले मत करिए, जो भी ठीक कर दें क्या सर, माइक का तार नहीं है। आज के कार्यक्रमों के बारे में तो माननीय मंत्री मंगल पांडे जी ने और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी ने भी बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी है। और आज मुझे खुशी हुई है कि कई जगहों पर ये खुद भी मुझको दिखाने के लिए ले गए। और शुरू से ही जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, हम लोगों ने विकास के लिए तो सारा काम शुरू ही किया, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए लोगों को कि हम बराबर उस समय समाचार पत्रों से भी कहते थे और लोगों ने मेरी बात मानी थी। उस समय हमने कहा था कि ज़्यादातर खबर क्या छपता है, कोई कहीं घटना घट गई, कोई खबर आ गया, उसी का छपता है। हमने कहा कि ज़रा इम्पोर्टेंस दीजिए, प्रमुखता दीजिए स्वास्थ्य को और शिक्षा को, ये दो चीज़ को जरूर प्रमुखता मिलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। एक तो लोग पढ़ेंगे, पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में, और दूसरी बात है कि अब तक लोगों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, और अब जितना ज़्यादा काम किया जा रहा है लोगों के इलाज के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए, तो इन दो चीज़ों के बारे में बराबर छापिएगा तो लोगों में जागरूकता भी आएगी। अब तो भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये उस समय ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये उस समय समाचार पत्रों का बहुत महत्व था, टेलीविज़न और इन सब चीज़ों का ही जो भी महत्व था, तो लोगों ने मेरी बात मानी थी। और उस समय जो एक एक चीज़ के बारे में सूचना दी जाती थी प्रतिदिन, तो बहुत अच्छा था, लोगों में जागृति भी आई। अन्य सभी चीज़ों के बारे में तो सब समाचार पत्रों का अपना काम है, लेकिन ज़रूर स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में जो लोगों ने ध्यान करना शुरू किया और जगह जगह के बारे में सूचनाएं देना शुरू किया और कहाँ क्या काम हो रहा, तो ये वहाँ से शुरुआत हुई। और याद है ना कि उस समय क्या हुआ था, जब हम लोग 2005 के 24 अक्टूबर को शपथ हुआ था, तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्वे कराया था कि भाई कितने लोगों का इलाज होता है। तो जो 2006 में सर्वे की रिपोर्ट आई थी फरवरी में, तो पता चला कि भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में औसतन 39 लोग इलाज के लिए जाते हैं। आप सोच लीजिए, यानी एक दिन में एक और कभी कभी दो, ये हालत था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। तो उसके बाद जो हम लोगों ने व्यवस्था शुरू किया और किस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक और दूसरे उनके सहयोगी सब रहने लगे, और किस तरह से दवा वगैरह का प्रबंध हम लोगों ने करवाया पहली बार, तो ये सब काम शुरू हुआ। तो अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अब लगभग 10,000 के करीब पहुंच गया है औसतन एक महीने में, तो आप सोच सकते हैं। तो इतना सोच लीजिए कि शुरुआती दौर में भी इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम प्रारंभ किया गया और उसके लिए एक एक कदम बढ़ा करके कितना काम हुआ प्रथम चरण में, तो जो और जानते हैं कि जो शुरू किया गया तो 24 घंटा माने सातों दिन, ये नहीं कि इतवार को नहीं है और रात में नहीं है, शुरू हुआ था 24 घंटे लोगों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, ये शुरुआती दौर में शुरू कराया गया था। तो अब तो लोग भूल जाएंगे ना, तो अब लोगों को तो याद ही नहीं रहेगा, इसलिए हम जब भी कभी जाते हैं कहीं भी कुछ बोलते हैं
तो ये सब पुरानी चीज़ों को याद करा देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच लीजिए कि कितना जो बिहार में हम लोगों ने शुरू कराया था, तो ये सब शुरू कराया गया। और उसके अलावे हम लोगों ने क्या किया था कि भाई जो लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी चिकित्सक हैं और बाकी लोग, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी जानकारी के लिए अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, तब आज तो इन लोगों ने सिस्टम शुरू कर दिया कि कहाँ पर क्या हो रहा, कितना सब कुछ है, सब कुछ कर दिया, बता दिया, देख लिया हमने, बहुत अच्छा। लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या शुरू किया था, टेलीफोन से हम लोगों ने किया था, लैंडलाइन, उसकी सुविधा कराए कि हर जगह, और रोज पूछिए टेलीफोन से, तो टेलीफोन उठाएगा तब ना पता चलेगा कि कौन उठा रहा, तब पूछने पर कि डॉक्टर साहब नहीं है जी, तो डॉक्टर साहब से बात करने का, तो डिपार्टमेंट विभाग और सीएम सचिवालय वहाँ से सब जगह फ़ोन कर कर के एक एक जगह बात होती थी। तो यहाँ से हम लोगों ने जो शुरुआत कराया, तो हम तो अभी कहेंगे कि देखिए भाई वो जो फ़ोन वाला है उसको मत बंद करिएगा, उसका एक अपना महत्व है सब दिन। टेक्नोलॉजी वाला तो एक, आज तो सब तरह की सुविधा, एक एक चीज़ को देख लीजिएगा, लेकिन वो चीज़ जो किया गया था लैंडलाइन का इंतजाम, तो लैंडलाइन रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, ताकि लैंडलाइन में तो मान लीजिए अभी सब चीज़ देख रहे, तो कभी कभी फ़ोन से भी उठा करके कर दीजिएगा, लैंडलाइन पर पूछिएगा कि भाई कितने क्या है, हैं कि नहीं, हालचाल पूछ लीजिएगा। तो इसलिए लैंडलाइन वाला भी रहना चाहिए। तो हम लोग उस समय जो शुरू किए थे लैंडलाइन वाला, और इसके अलावे जो सब कुछ था, और लोक निजी साझेदारी के तहत पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, एम्बुलेंस की सुविधा, ये सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उस समय उपलब्ध कराई गई थी, प्रारंभ किया गया था। तो एक एक चीज़ के बारे में, और जो जो भी होता था, साफ सफाई, मेंटेनेंस, एक एक चीज़, इसके लिए भी बाहरी लोगों को लगाया गया था कि अस्पताल वगैरह में इतने लोग आएंगे, देखेंगे भाई आ रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सब कुछ हो रहा है, तो एक एक चीज़ को साफ सफाई रखना चाहिए। याद करिए कि उस समय से जब शुरुआती दौर में शुरू किया गया, तो ये सारा काम शुरू किया गया हर चीज़ से। और उसके बाद ही जो हमने भी बताया कि हम लोगों ने दवा का सोचा कि भाई मुफ्त दवा का इंतज़ाम किया जाए, तो दवा का जो इंतज़ाम किया गया, तो याद करिए कि 2006 में ही सब सर्वे हो गया। और उस समय देश के जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति थे तत्कालीन, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, उनको ही बुला करके हम लोगों ने यहाँ से ही शुरू कराया था। ये जो गार्डिनर रोड अस्पताल है, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, वहीं पर कार्यक्रम किए थे और उनको आमंत्रित किए थे, और उस दिन से कि भाई सबको हर जगह, माने अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सब लोगों को दवा मिले, तो ये सब काम हम लोगों ने 2016 में ही शुरू करा दिया था। और उसी समय हम लोगों ने तय किया था, जब काफ़ी लोगों का ट्रीटमेंट और सब कुछ लोग आने लगे, देखने लगे, तो उसी समय हम लोगों ने तय किया कि अभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है 6 बेड होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको बढ़ा करके सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और 30 बेड में बदलना। तो अभी तो खैर है करीब करीब 260 के ऊपर करीब हो चुका है, तो हम लोगों को तो सब जगह को उसको परिणत करना है। और आज भी इन लोगों ने जो आज करवाया है, कई तरह का शिलान्यास किया है, कंप्लीट भी हुआ है, और कई का काम भी शुरू करा रहे हैं, तो वो भी सब पूरा का पूरा हो जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए कि सब जगह सभी अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजर भी नियुक्त किया गया, पहले ही सब सिस्टम कुछ नहीं था, तो सभी अस्पतालों में उसी समय हम लोगों ने शुरू किया था कि हर हॉस्पिटल में इसके मैनेजमेंट को काम देखने के लिए एक मैनेजर हुआ करें। तो हम लोगों ने सब कुछ किया, तो इस समय तो किया ही, और आज जितना ज़्यादा काम हुआ, अब कितना पहले था अब आज कितना, जानते ही न है कि उस समय कुल मिला करके बिहार में कितना था, कुल मिला करके 6 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल थे, और प्राइवेट में 2 था। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि और ज़्यादा करेंगे, तो क्या बुरा हाल था ज़रा बताइए। तो IGIMS जो पहले बना था, तो IGIMS तो लगभग ख़त्म ही ना हो चुका था, और IGIMS में पढ़ाई होती थी, तो उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया, और IGIMS में भी जो काम शुरू कराया, आज कितना काम IGIMS में, बगले में ना IGIMS भाई, इसलिए हम IGIMS की चर्चा कर रहे हैं। अब उसमें 2500 बेड रहेगा, कितना काम हो रहा है, बगल में देख रहे हैं ना IGIMS में, अब IGIMS में कितने लोग आ रहे हैं,
अब पहले कोई आना चाहता था IGIMS में भर्ती होने के लिए, अब आज देखिए यहाँ के लोग अगर बाहर भी काम कर रहे हैं तो बहुत लोग आते हैं कि IGIMS में हम आए, तो आप सोच लीजिए। और एम्स का निर्माण भी हुआ तो आप जानते ही, हम लोगों की सरकार जो बनी थी तो हर जगह से जो भी किया गया तो उस समय से ही तो काफ़ी कुछ हुआ। अब तो एम्स का भी निर्माण हो गया है और एम्स का भी सारा काम चल रहा है, है? हाँ वो तो दरभंगा का तो खर्च करना ही है उसके आगे, वो तो अभी अब जो सरकार आई तो इन लोगों ने किया, तो वो आगे हम ही लोगों ने कहा था कि दरभंगा में करना चाहिए, तो वो सब तो हो गया, उसका भी हम लोग जा ही रहे हैं सब कुछ देखने के लिए। तो कहने का मतलब कि ये सब काम तो हुआ, उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 3 और हम लोगों ने स्थापित करवाया मेडिकल कॉलेज, काम चल रहा है सब देखिए। अब उसके अलावा और ज़्यादा हम लोग करवा रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बढ़ गया, तो कुल मिला करके तो अभी आप समझिए कि काफ़ी कुछ हो गया है कि अब हो गया। और 5 निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल काम कर रहे हैं, तो कुल मिला करके 11+5 16 मेडिकल कॉलेज अस्पताल अभी काम कर रहे हैं। अब इसके आगे जो काम चल रहा है, आज भी एक जगह काज हो गया आप देख ही रहे, तो इसके बाद आप समझ लीजिए कि अब हो जाएगा 11 अन्य मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण विभिन्न चरणों में। तो कुल मिला करके तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है ना, और आज तो आप देख रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी से एक एक जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, पेशेंट आ रहा है उसके साथ क्या है स्थिति, एक एक चीज पर नज़र रखी जाएगी। और दूसरी चीज है कि हर प्रकार से लोगों को सुविधा होगी, जो हम लोगों ने कह दिया है कि भाई टेली मेडिसिन का मतलब सुविधा, कहने का मतलब है कि अब इवन स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी कोई आएगा और कोई उसको आगे जाने की स्थिति नहीं है तो ये व्यवस्था टेली मेडिसिन की वहीं पर बैठेगा, वो कहीं जा नहीं सकता है तो वहीं पर से वो बोलेगा और जिला के जो हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वहाँ पर से एक डॉक्टर हमेशा रहेंगे एक दो, और वही उसको सुन लेंगे उसकी बात और उसको सजेस्ट कर देंगे स्वास्थ्य उपकेंद्र से भी। तो हम लोगों ने इसको भी जोड़ने का आज इन लोगों ने इसका भी शुरुआत करा दिया, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हर प्रकार से एक एक चीज़ पर नज़र रखना, दूर में भी लोग हैं उनका ट्रीटमेंट ठीक से हो, अगर कोई सुझाव देना चाहता है, अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जो डॉक्टर हैं और जो दूसरी जगहों पर हमारे चिकित्सक हैं इन बातों के विशेषज्ञ हैं तो उनके साथ परामर्श के लिए भी ये टेलीमेडिसिन की सुविधा होगी। तो इस तरह से सब काम अब देख लीजिए कि किस तरह से मेडिसिन के क्षेत्र में किया जा रहा, तो हर प्रकार से एक एक काम किया जा रहा। तो हम लोगों की तरफ से तो ये सारा काम हो रहा है और आज अनेक चीज़ों का जो काम आप लोगों ने करने की कोशिश की है तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो भी हुआ उसके बाद जो पहला फेज में हम लोगों ने किया, दूसरे फेज में भी कितना काम करवा दिया, ये सब आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो सब कुछ देख रहे हैं कि CT स्कैन और डायलिसिस की सुविधा, एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की सुविधा। आप सोच लीजिए कि हर प्रकार से, और अभी बताया गया है आपको, तो किसी सभी जिला अस्पतालों में CT स्कैन डायलिसिस की सुविधा, आँख एवं स्किन OPD की सुविधा जिला अस्पतालों में, तो सब प्रकार से एक एक तरह का सिस्टम किया गया। और 3 चीज हम लोगों ने और भी उसी समय जो हम लोगों ने शुरुआती पहला फेज और उसका दूसरा फेज में जो हम लोगों ने किया, ये किया राजवंशी नगर अस्पताल पटना में, जिसका नामकरण हमने कर दिया लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, तो राजवंशी नगर में, उसमें हड्डी के लिए। अब देखिए पहले इलाज नहीं, उसको हम लोगों ने देखा, उसका फिर विस्तार करना, अब वो सब काम लगभग पूरा हो रहा। और वहाँ पर कितने लोग अब जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, पहले सब हिसाब नहीं था, हड्डी के लिए वो किया गया। और दूसरा हम लोगों ने किया था आँख के लिए, और वो राजेंद्र नगर में जो अस्पताल है उसको हम देखने गए और कहा कि आँख वाला यहीं कर देना चाहिए, तो वो भी बन के तैयार हो गया डायबिटीज आदि के लिए। फिर और एक बात तो कर दिया गया कि गार्डिनर रोड अस्पताल में भी, तो और फिर पटना में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के तौर पर इन तीनों को विकसित करने का, तो 2 का तो पूरा हो गया लेकिन तीसरे का अभी पूरा नहीं हुआ है, एक गार्डनर रोड अस्पताल वाला, तो इसमें तो अब तेजी से ये लोग काम करने वाले हैं ना सर, तो उसको भी पूरा कर देंगे, तो ये 3 तो हो जाएगा। और उसमें एक बात तो और हमारा है सुझाव कि उसका भाई एकदम बिल्कुल डायरेक्टर अलग रहेगा,
ये सब इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट रहेगा, अपनी तरफ से ऑटोनोमस रहेगा, ताकि सब लोगों का ट्रीटमेंट ठीक ढंग से हो। वो किसी अस्पताल से अलग से नहीं जुड़ा रहेगा, वो सीधे राज्य सरकार का विभाग देखेगा, स्वास्थ्य विभाग देखेगा, और इनके डिपार्टमेंट से सीधे वो जुड़ा रहेगा, ताकि एक एक चीज को लोग देख सकेंगे। तो हर तरह से किया गया है, आप सब जानते ही हैं, और यहाँ पर तो देख ही रहे हैं कि जो हम लोगों ने कितना करवाया। हर जिले में GNM स्कूल, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, हर अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना, और कितना का निर्माण हो गया। अब तक 15 GNM ट्रेनिंग संस्थान, 4 नर्सिंग कॉलेज, 40 ANM ट्रेनिंग संस्थान और 21 पैरामेडिकल संस्थानों का निर्माण हो चुका है। बचा हुआ काम भी जल्दी हो जाएगा पूरा। ये हम लोगों ने 7-1 में किया। अब 7-2 के बारे में जो काम हो रहा है, टेली मेडिसिन का, हर चीज़ को वॉच करने का, देखने का, इन लोगों ने तो शुरू कर दिया बहुत अच्छे ढंग से, बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बाल हृदय योजना जिसके बारे में बता रहे थे, जो हम लोगों की तरफ से जो घोषित किया गया 7-2 में, और इसी साल जो भी बता रहे थे प्रत्यय अमृत जी ने भी शुरू में बताया कि शुरू, और बताए हमारे माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी ने, क्या काम शुरू हो गया साहब, और किस तरह से जो हम लोगों ने फरवरी से ये सब शुरू करवाया, और 21 फरवरी से, और किस तरह से लोगों को भेजा जा रहा है, और मेरे ख्याल से लगभग 250 से अधिक हो गया ट्रीटमेंट की, 260 हो गया, हाँ हमको लगता है कि उसका भी ट्रीटमेंट हो गया, नहीं 264। तो इस तरह से कुछ कुल मिलाकर के ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट सब तरह से किया जा रहा है। तो अब सारा सब कुछ हो रहा, तो अब जान लीजिए कि एक एक काम किया गया है, तो अब बहुत अच्छा है। तो अब तो जानते ही हैं कि अब हम लोगों का तो है एक चीज़ तो है, अब आगे के बारे में सोच लीजिए कि हम लोग जल्दी से जल्दी हैं, कि जल्दी से जल्दी हम सभी जो भी हमारे ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सबको हम लोग जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिणत करेंगे, 30 बेड का होगा। और ये जो 413 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसे देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर मान लीजिए जिला का भी अस्पताल, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं सब डिवीजन है, अनुमंडल अस्पताल है, वहाँ के लिए कोई बात नहीं। जो जिला के बाहर है, अनुमंडल के बाहर है, तो उन तमाम समूचे ब्लॉक को में जो भी है हमारा ये अपना अस्पताल जो है, इन सभी को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करने का जो हमारे पास फिगर है कि 413 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। और आज जो बता दिया गया कि उतना हो गया, बाकी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी जब तेजी से हो जाएगा, तो जरा सोच लीजिए कि कितनी सुविधा होगी लोगों को ब्लॉक स्तर पर, और बाकी सब तरह की सुविधा होगी। जो पहले से हमारा काम है उस काम को कर लेना है, और सब जगह जो एक्सरे की सुविधा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ये सब भी एक्सरे वगैरह करवाना सबका तुरंत उसे सुविधा हो जाती है। भाई एक बार एक्सरे हो गया तो बहुत तरह की चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, तो उस तरह का एक्सरे का भी काम सब हो जाएगा। और सब जगह का जो कुछ भी है, जो भी है नेत्र रोग वाला, अब आजकल तो वो देखे नहीं भाई, ये आँख वाले का ये जो आ गया, ये मुजफ्फरपुर का कहानी, कि हम सबसे कहेंगे कि भाई ऐसे ही काहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, सब इंतजाम तो हो ही रहा है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, मगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, जाते हैं तो सबको अधिकार है प्राइवेट में जाए सरकारी में जाए। लेकिन मुजफ्फरपुर में हुआ और वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, अब उसकी कितनी जांच की गई है कि क्या गड़बड़ी थी, और एक्शन लिया जा रहा भाई, सबको इस सब चीज़ को हम लोग नहीं छोड़ने वाले, सबको करना चाहिए। हम लोग तो अपना सरकारी अस्पताल का एक एक चीज़ देखने का सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि कोई किया कि नहीं, इलाज किया कि नहीं, दवा है कि नहीं, पेशेंट पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपना सरकारी अस्पताल के लिए सब इंतजाम करवा रहे हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जरा कृपा करके प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ठीक ढंग से देखिए, एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी खूब अच्छा काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, अनेक प्रकार के हैं। लेकिन जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलें भाई, इन बातों का जरूर ध्यान दीजिए। अब जो कुछ भी हुआ वो कितना दुखद है, अब उसके बाद तो सब लोगों के लिए आगे ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें जो पीड़ित हुए हैं उन सब लोगों के लिए भी किया जा रहा है।
उन लोगों के ट्रीटमेंट का भी किया जा रहा है, और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अब बेचारे का आंख चला गया तो हम लोग उन लोगों की जो मदद कर सकते हैं उसके बारे में विभाग सोच रहा है कि भाई ऐसे लोगों की भी हम कुछ मदद करेंगे। तो अभी तो आज कुछ कहना कैसे कहा जाए कि कितना रुपया हम लोग देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वैसे लोग जो सफ़र कर गए हैं मुजफ्फरपुर में, उनको राज्य सरकार की तरफ से सहायता दिया जाएगा, ये बात हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन इसके अलावे एक एक चीज पर नजर रखना, तो सब कुछ को देखना ही है। तो उसके लिए तो अब जो स्वास्थ्य विभाग है कितना सक्रिय है, अब जरा देख रहे हैं साहब किस किस तरह का काम, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो भाई हमारा तो पिछड़ा राज्य, लेकिन जरा देख लीजिए उसमें हम लोग कितना काम कर रहे हैं। सबसे पिछड़ा ना हम है भाई, लेकिन जरा देख लीजिए कि काम में हम लोग नहीं पीछे हैं। तब पिछड़ा तो इसीलिए ना है भाई कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है, इसके चलते ना हम पिछड़ेपन में है। जितना काम कर रहे हैं उसका जितना फायदा हो सकता था उतना फायदा कैसे होगा, इतनी बड़ी आबादी है, क्षेत्रफल कम है, तो एक अलग बात है, इसलिए हम तो पिछड़ा। लेकिन जरा देख लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से लोगों को मदद, और राज्य सरकार की तरफ से तो हम लोग 7-8 से ही जो ट्रीटमेंट करता है 12-13 प्रकार का, खास तौर से कठिन ट्रीटमेंट वगैरह में उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। तो हर तरह से तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। तो एक एक चीज के लिए तो हम लोगों की तरफ से सजगता है, और हमको पूरा भरोसा है इन सब बातों को लेकर के हम लोग हर तरह से काम करेंगे। और जो कुछ भी है और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जिसकी चर्चा हमने, तो भाई चिकित्सा सहायता कोष को भी हम लोगों को और देख लेना कि भाई चिकित्सा सहायता कोष में अगर अब कई प्रकार की बीमारियां आ रही है तो हम लोग एक बार एक समीक्षा जरूर कर लें कि हम लोग और कुछ बीमारियों में इसको बढ़ाना है तो उसको हम लोग उसको भी देख लें, और सब तरह से हम लोग मदद करेंगे ताकि गरीब गुरबा तबके को हर तरह से सहायता मिले। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं और हर प्रकार से सब तरह से। तो ये तो आज खुशी की बात है कि सब कुछ जो हो रहा है, और जो बात आज हुआ है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 3 अति विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों का जिसका हमने चर्चा कर दिया, तो उसमें पूरे के पूरे तौर पर ये काम हो जाएगा और इसको हम लोग करेंगे, और इसको बिल्कुल हम लोग स्वतंत्र बनाकर रखें, ऑटोनोमस बनाकर के रखेंगे। और पटना के एम्स में हम लोग अपनी तरफ से वहाँ पर रोगी परिचारी गृह का निर्माण कराएंगे अलग से, ताकि हम जो जा करके जो देखें, अरे भाई जब से एम्स बन रहा था श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, उनके हम भी मंत्री थे और उसी समय उस सैंक्शन हुआ, और उसका जब यहाँ हुआ तो कितना बार हम जा करके एक एक चीज़ का प्रोग्रेस, और एक एक चीज़ जब हो गया प्रोग्रेस उसके बाद भी गए, अभी भी कभी कभी एक आध बार जाने का अवसर मिलता, अब उतना जाने का क्या, अब तो सब काम हो ही रहा। लेकिन वही हम लोगों के मन में एक है कि वहाँ पर जो भी इलाज के लिए आते हैं तो उनके परिजन आएंगे तो उन बेचारों को रहने का जगह होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग एक अलग से परिचारी गृह का निर्माण, रोगी परिचारी गृह का निर्माण हम लोग करवाएंगे एम्स के बगल में, वो भी हम लोगों ने तय कर लिया है। और दूसरा चीज़ है कि एम्स का और भी पटना का एक्सपेंशन हो, उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया और पहले से भी तय किए थे कि उनको थोड़ा और भी हम लोग जमीन देंगे ताकि वहाँ पर वो भी काम वो कर ले, ये सब चीज़ है। और शिशु रोग अति विशिष्ट अस्पताल, एक अलग से शिशु रोग अति विशिष्ट अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, ये बात हो गई है, तो इसके लिए शिशु रोग अति विशिष्ट अस्पताल का निर्माण हो जाएगा। तो आप समझ रहे ना कि शिशु रोग जो अति विशिष्ट अस्पताल होगा तो कितनी सुविधा हो जाएगी। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं, और जितना काम किए हुए हैं उसको देखना, उसको और बेहतर बनाना, जितने हमारे आ गए हैं चिकित्सक हैं उनकी जितनी और ज़रूरत है उतना ज़्यादा उनका अपॉइंटमेंट होना, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम तो सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि भाई सब चिकित्सक के रूप में बिहार में रहिए, बिहार में भी सेवा करिए, हम लोगों से जो भी संभव है आप लोगों के हित में और काम हम लोग तो करते ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। सब लोग रहिए, और आप जानते ही हैं कि सब जगह
आयुष प्रक्षेत्र में भी और बाकी सब काम भी हम लोगों ने शुरू किया है। अभी हाल ही में एक एक चीज़ की घोषणा की है, तो हर प्रकार से हम लोग एक एक क्षेत्र का काम कर रहे हैं और जो भी है इलाज के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में पूरे तौर पर काम हो, किसी तरह को कोई असुविधा ना हो, ये हम लोग कर रहे हैं। आगे इन सब चीज़ों को करते रहेंगे और आप जानते ही हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे प्रशासनिक लोग हैं, इस काम से जुड़े हुए जितने लोग हैं, लोगों पर कितना ध्यान देते हैं। अभी कोरोना का जो दौर चल रहा है तो इस बीच में हम लोगों ने कितना काम किया साहब, किस तरह से एक एक चीज पर इंतजाम किया गया है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है इस कोरोना के कारण तो उनको 4,000 रुपया उनके परिवार को हम लोग देते हैं, 4 लाख रुपया हम देते हैं। तो ये सब काम जो कर रहे हैं ये सब शुरू से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जितने हमारे हैं चिकित्सक गण और बाकी सब लोग डिपार्टमेंट एक एक चीज का ख्याल, प्रशासन सब लोग जो ख्याल रखे हुए हैं, उसके चलते आज कितनी अच्छी स्थिति। अभी आप लोगों को बताया गया कि अब जो कोरोना का है, तब कोरोना का तो देख लीजिए कि जो तीसरा दौर जो होने वाला है उसके बारे में तो पूरा झंझट है ही। अब दुनिया के कई विकसित मुल्कों में हो गया है, नया डोज आ गया है जो इसके बारे में संकट जो लोगों को आया है, तो उस तरह से तो हम लोगों को अभी तक तो उसके बारे में सतर्कता बहुत है और अपने देश में भी थोड़ा बहुत आया है, लेकिन खतरा तो है ही तीसरे डोज का, ओमिक्रोन का, तो तीसरे डोज का भी तो खतरा हो सकता है। तो अपने बिहार में भी सतर्कता, हर प्रकार से इंतजाम इन लोगों ने किया है कि लोगों के लिए करेंगे, और ट्रीटमेंट के लिए भी तो हम लोगों ने कहा कि भाई वो तो होगा ही, लेकिन टेस्ट के लिए भी। होता क्या है कि जितना टेस्ट कराया जा रहा है ना तो जाता है बाहर, तो उसमें समय लगता है रिपोर्ट आने में, तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि नहीं अपने यहाँ भी उसका हो जाए जल्दी से जल्दी टेस्ट, और वो भी हम लोग यहीं IGIMS में इस काम को करवाने के लिए उसमें लगे हुए हैं, उस सब तो हो ही जाएगा। लेकिन कितना काम हो रहा है जरा देख रहे हैं कि टेस्ट कितना हो रहा है, कभी गौर से देख लीजिएगा पिछड़ा राज्य का क्या स्थिति है। इस सर्वाधिक पिछड़े राज्य में अगर जान लीजिए कि जितना टेस्ट होता है, तो आप जानते हैं 10 लाख में अब 5 लाख से ज्यादा का टेस्ट हो रहा है, जो सब वही ना गिनती होता है कि 10 लाख में कितना का टेस्ट हुआ, तो आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज कितना है, उस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है। तो हम लोग तो सब कुछ में काम में लगे ही हुए हैं, और उसके अलावे टीकाकरण के लिए, तो जो टीकाकरण के बारे में आपको आज बता दिए, 9 करोड़ कुल टीकाकरण आज सुबह तक जो हो गया है 9,01,56,334। अभी आधा घंटा 45 मिनट पहले तक का जो रिपोर्ट है 9,01,56,334, और पहला डोज 5,60,75,278, और दूसरा डोज है 3,40,81,056। तो आप जरा देख लीजिए कि कितना तेजी से काम हो रहा है। हम लोग तो एक एक चीज पर रोज नजर रखते हैं कि पूरा टीकाकरण करा के हम लोग सब तरह को न सिर्फ अलर्ट करना बल्कि लोगों को सुरक्षित तो रखें। कहा कि भाई तीसरा जो खतरा है ओमिक्रॉन का, तो अब तो दूसरी जगह आ गया है, तो हम लोग यहाँ पर तो सजगता है, लेकिन टीकाकरण कराना तो बहुत जरूरी है। और हम लोग जान करके देखिए, जो बात हमारी हुई कि भाई देखिए हम लोगों को ज़्यादा कराना है, 2 लाख तक कम से कम कराइए, अब लगभग 2 लाख कराते रहते हैं, किस दिन थोड़ा कम किस दिन 2 लाख से भी ज़्यादा, तो एक अलग है, डेली होता रहता है,